आज हम बात करेंगे स्लीप इन एथलीट्स और उनकी परफॉर्मेंस। तो इसका क्या रिलेशनशिप है, यानी कि नींद और परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नींद है वो हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ सभी के लिए बहुत जरूरी है। और जो एथलीट्स हैं उनकी जो लाइफ है, उसकी जो जर्नी है, बहुत ही यूनिक है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, बट क्या मेजर स्टेप्स हैं इनकी लाइफ में? तो एक तो है ट्रेनिंग, सेकंड है ट्रैवल, थर्ड है कि रिस्क होता है फिजिकल इंजरी का, फिर रिपेयर फ्रॉम द फिजिकल इंजरी, लॉट्स ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, इमोशनल स्ट्रेस एंड कॉम्पिटिशन एक अलग चीज है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें नींद से कैसे संबंध रखती हैं, और क्या कुछ नींद की इश्यूज भी इन लोगों में ज्यादा आने की संभावना है। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस तो हम क्या कर सकते हैं ताकि स्लीप ठीक रहे, यानी कि नींद अच्छी रहे और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और बेस्ट टू योर अबिलिटी, लेट्स से। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज दिस ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके साथ और जिसके जरिए ही एथलीट्स अपनी जर्नी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेनिंग कई दफा ओवर हो सकती है, इसके टाइमिंग बिगड़ सकते हैं, शेड्यूल बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। ये सब चीजें कैन रिजल्ट इन पुअर स्लीप। और अब ये देखा गया है कि जब नींद खराब होगी तो चांसेस हाँ कि आपकी फिजिकल इंजरी जो होने का चांस ज्यादा है, और रिपेयर फ्रॉम दैट इंजरी या रिकवरी फ्रॉम इंजरी वो भी डिले हो जाएगी, और आपको चांसेस है कि आप ट्रेनिंग्स मिस करें। तो कुछ रिसर्च ने देखा कि जिन लोगों की नींद ठीक रहती है वो तो रेगुलर ट्रेनिंग कर पाते हैं, और रिकवरी भी फास्ट होती है अगर इंजरी हो, और पहली बात इंजरीज भी कम होती हैं। और जिनकी नींद नहीं ठीक होती वो ट्रेनिंग मिस करने का बहुत चांस होता है। तो ये तो रहा ट्रेनिंग का कनेक्शन विद स्लीप। व्हाट अबाउट ट्रैवल? तो ट्रैवल कई दफा लोग सपोज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में है तो कई टाइम जोन्स पे निकलते हैं। जब हम अलग अलग टाइम जोन पे निकलेंगे तो हमारी जो बॉडी और ब्रेन की जो क्लॉक है वो मिसमैच हो जाती है, और दैट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर स्लीप। तो दैट इज एक नेचुरली चीज है जब हम ट्रैवल करें। तो इसको कैसे हल किया जाए इज व्हाट वी विल डिस्कस एट द एंड। द ट्रैवल कैन ऑल्सो अगेन पुट अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ इंक्रीज वरी, इंक्रीज हेल्थ कंसर्न्स, ये सब भी बहुत इम्पैक्ट कर सकती हैं। देन कम्स दिस कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन क्या करता है? एक तरह की स्ट्रेस पैदा करता है, एक तरह की एंजाइटी पैदा करता है, एक फिक्र हो जाता है कि मैं जीत पाऊंगी या जीत पाऊंगा कि नहीं, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे कोचेस क्या सोचेंगे, सोसाइटी या मेरे फैंस क्या सोचेंगे। तो ये सब चीजें एक तरह से एक मेंटल स्ट्रेस पैदा कर देती हैं, और जब भी स्ट्रेस पैदा होगा या वरी पैदा होगी या थॉट्स इंक्रीज हो जाएंगी, दैट विल रिजल्ट कि नींद हमारी पूरी अच्छी ड्यूरेशन या अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। तो एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है मूड या डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद के साथ। तो जितनी नींद खराब होगी वो अगले दिन फिक्र बढ़ जाएगा और मूड भी थोड़ा सा लो रहेगा। पर एक ये भी देखा गया है जितनी एंजाइटी बढ़ेगी और मन उदास या परेशान रहेगा वो हमारी नींद को इम्पैक्ट करेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। एक और देखा गया है कि जो नींद जब ठीक रहती है तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बॉडी को। तो इंसान की फिजिकल तो परफॉर्मेंस में मैंने बात करी, बट रिएक्शन टाइम कि आप कितनी स्पीड से रिएक्ट करते हो वो इम्प्रूव हो जाता है। आपकी मोटिवेशन, आपकी अबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस इम्प्रूव्स, एंड इमोशनल रेगुलेशन जो हम बोलते हैं, जो बहुत
घबराहट या घबरा जाना जब आप कंपटीशन के दौरान, वो सबको भी बहुत कुछ शांत स्वभाव में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये तो रहा कि क्या चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, तो वाकई कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स कुछ ज्यादा कॉमन होते हैं। तो ये देखा गया था कि कुछ जब कॉलेज स्टूडेंट्स को या नेशनल लीग लेवल प्लेयर्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इंटरनेशनल प्लेयर्स से बातचीत करी गई, तो सबने रिमार्क किया कि अगर उनकी नींद बेटर रहती है तो उनकी अबिलिटी टू शूट बास्केट्स, टू हिट द बॉल, टेनिस की द सर्विंग अबिलिटीज, ये सारी बहुत बेटर हो गई। और एक और चीज सामने आई कि जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स में हैं वो 1/3, 30% टू 40% डू कंप्लेन कि मेरी नींद ठीक नहीं थी या मेरे को दिन में नींद आने की चांसेस हैं। तो दे आर गोइंग थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, मतलब उनको फेस हो रही हैं। अब हमने देखना है कि हम इसके लिए क्या करें ताकि ये रात की नींद ठीक ले सके, ताकि इनका दिन और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सके। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इनका एजुकेशन, सो एजुकेशन ऑफ द प्लेयर्स, एजुकेशन ऑफ द कोचेस, एजुकेशन ऑफ दीज बॉडीज जो सारा शेड्यूल और इनकी ट्रैवल प्लान्स वगैरह बनाते हैं। सिर्फ एजुकेशन में क्या है रोल कि स्लीप की अहमियत या इम्पोर्टेंस इन लोगों को पता हो कि अगर हम ठीक सोएंगे तो हमारी अगले दिन की परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग और फिजिकल इंजरी रिकवरी सब में इम्पैक्ट आएगा। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो अगर सब कुछ ठीक भी रह रहा है बट फिर भी नींद नहीं आ रही रात को, उसको हम इंसोमनिया कहते हैं, या कुछ लोग जिन कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनमें नेक टिश्यू बहुत थिक हो जाता है, स्नोरिंग बहुत है, तो वो भी रात की नींद में अड़चन डाल सकता है, उसको डिटेक्ट किया जाए। थर्ड है टांगों में एक अजीब सी बेचैनी होना रात को, जो हो सकता है स्पेशली विमेन में ज्यादा है और रात की नींद आने में दिक्कत आती है। आमतौर लोग कहते हैं ग्रोइंग पेन्स है, रात को दर्द है, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं या डिटेक्ट करें और इवेल्युएट करके देखें कि इसके लिए क्या करना है। सो दोज आर आइडेंटिफाई द स्लीप प्रॉब्लम। थर्ड इज जनरल टिप्स ऑन स्लीप हाइजीन जो बोलते हैं, कि एक टाइम होना चाहिए कि अगर स्क्रीन टाइम कितना दें। देखा गया है कुछ रीसेंट रिसर्च ने बताया जो लोग रात तक ट्वीट करते हैं या स्क्रीन्स पे रहते हैं उनकी नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस स्पेशली कॉम्पिटिशन के पहले बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तो ठीक टाइम पे सोना, स्क्रीन्स को कम करना, इस्तेमाल अपनी कैफीन का कंट्रोल करना, अल्कोहल, स्मोकिंग एक्सेट्रा, जो वैसे भी एथलीट्स के लिए उनके लिए ठीक नहीं है, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है कि हम जनरल मेजर्स क्या कर सकते हैं। व्हाट अबाउट नैप्स? बहुत पूछा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम दिन में थके रहते हैं तो हम कुछ देर के लिए झपकी ले लें। तो नैप्स या शॉर्ट टाइम्स ऑफ स्लीप एक बूस्टर बोलते हैं हम, बट ये बहुत जरूरी है कि कितनी देर के लिए नैप करें, थोड़े ही टाइम के लिए रखें। ज्यादा टाइम रखेंगे और फिर उठेंगे तो लगेगा कि और डलनेस फील हो रही है। इस चीज को हम स्लीप एक इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि हम डीप स्लीप से जाके जब उठेंगे तो यू विल नॉट फील गुड। तो ये सब चीजें जरूर हेल्प करती हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो दस अब हम एंड कर रहे हैं। ये जो एथलीट्स हैं इनकी लाइफ जर्नी एक यूनिक है, इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, कुछ ट्रैवल के दौर लिए, कुछ ट्रेनिंग के लिए, मेंटल हेल्थ, कंपटीशन वगैरह। तो इसके लिए हमारे को इनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, इनको भी अपना एहसास होना चाहिए कि मैं कैसी अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करूं। तो रोल ऑफ न्यूट्रिशन, रोल ऑफ एडिक्वेट फिटनेस जो इनकी ट्रेनिंग होती है, और अच्छी नींद भी बहुत इनको हेल्प करेगी। इनफैक्ट एक फेमस ऑथर ने एक लाइन है जो मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने बोला कि स्लीप इज अ लीगल, इजिली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल परफॉर्मेंस एनहेंसिंग मेडिकेशन या ड्रग।
So with that, I will end this session today, wishing all the athletes all the best, and to recognize the potential of good sleep for a good performance. Wishing everyone all the best.